और चलिए अब शुरू करते हैं हमारे खास कार्यक्रम नेताजी कहाँ है। तो चलिए आज के हमारे इस खास प्रोग्राम नेताजी कहाँ है में सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी की और जानेंगे कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस महामारी के दौर में कितने एक्टिव हैं और जनता की किस तरह से मदद कर रहे हैं। और इसी कड़ी में न्यूज़ वन इंडिया ने लखीमपुर खीरी के निघासन विधानसभा से बीजेपी विधायक शशांक वर्मा का रियलिटी चेक किया और जाना कि आखिर उन्होंने आम जनता के लिए क्या क्या किया है। जब न्यूज़ वन इंडिया उनके कार्यालय पहुंचा तो कार्यालय पर कोई नहीं था, वहां ताला लगा हुआ था। वहां मौजूद दुकानदारों का कहना है कि विधायक जी यहां कभी कभी आते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का खास प्रोग्राम नेताजी कहां हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि सिर्फ कोरोना काल में जो जनता के सुख दुख के साथी थे, माननीय वह जनता के बीच किस तरह से गए हैं, आखिरकार जनता को क्या सरकारी इमदाद दिलाई है और जनता का किस तरीके से मदद की है। इस वक्त हम मौजूद हैं निघासन विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे हम आ पहुंचे हैं निघासन से बीजेपी विधायक शशांक वर्मा के कार्यालय पे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बोर्ड लगा है, ये कार्यालय शशांक वर्मा विधायक निघासन का बोर्ड है, जिनके कार्यालय पर हम आ पहुँचे हैं और अब हम उनके कार्यालय की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार जो विधायक जी हैं, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, वो हैं कि नहीं है। हमें बताया गया है कि ये जो माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स है, इसी में विधायक जी बैठते हैं, यहीं पे उनका कार्यालय है। लेकिन ये दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे ताला पड़ा हुआ है और विधायक जी नहीं है, तो इसका मतलब ये कार्यालय जो बंद है और यहाँ पे कोई भी ना पार्टी का कार्यकर्ता है, ना ही कोई यानी विधायक का प्रतिनिधि है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जिनसे ही जानते हैं कि आखिरकार विधायक जी कहाँ हैं और विधायक जी का कार्यालय कब खुलता है। क्या नाम है भैया आपका? बबलू। विधायक जी का कार्यालय नहीं खुलता है क्या? नहीं खुलता है। खुलता है जी। तो बैठे नहीं विधायक जी क्या? अब जानकारी पूरी है नहीं। कब बैठते हैं, कब नहीं बैठते हैं? वो तो आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं। अच्छा, कोरोना काल में कुछ विधायक जी ने कुछ काम धाम किया है क्षेत्र में? अब ये जानकारी कहाँ, लॉकडाउन में तो हम लोग तो थे ही नहीं यहाँ। नहीं जानकारी। क्या नाम है भैया आपका? माजिद अली। ये विधायक जी का कार्यालय बंद है आज? हाँ, तो अपने टाइम से आते हैं। जब कब आते हैं? इनको कोई टाइम नहीं, जब आए तो आए, बैठ गए। कभी कभी आते हैं जी। कब आते हैं इनको? कितने दिन बाद आते हैं लमसम? कोई भी इनके लिमिटेड नहीं, कोई समय नहीं। कितने दिन बाद आते हैं? कितने समय में कोई पता नहीं। अच्छा, यहाँ पर बैठते हैं, जब तक फरियाद सुनते हैं? नहीं, आते तो हैं, वैसे लोग बैठते भी। लगभग कितने दिन बाद आ जाते हैं? लगभग 2-4 दिन में तो खैर एक राउंड लगता है। 2-4 दिन में आ जाते हैं। क्या समस्याएं वगैरह सुनते हैं बैठकर यहाँ? नहीं सुनते हैं, कुछ भीड़ भी लगती है, जब सुनते ही होंगे जो भीड़ लगती है। अच्छा, आज ये पार्टी कार्यालय में कोई नहीं, ताला पड़ा है, बंद है, क्या है इस बारे में तो पता नहीं। तो इन लोगों को तो शायद नहीं पता है कि माननीय विधायक जी कहाँ हैं, लेकिन फिलहाल जो ये निघासन विधानसभा से विधायक हैं शशांक वर्मा, उनके कार्यालय जब हम पहुँचे तो यहाँ पे ताला पड़ा हुआ मिला। और जो यहाँ के आसपास के जो दुकानदार थे, जो लोग थे, उन्होंने बताया कि विधायक जी कभी कदार बैठते हैं। फिलहाल अब विधायक जी की सच्चाई, विधायक जी ने आखिरकार कोरोना काल में क्या किया है, इसके सीधे सवाल लेकर जनता के बीच जाए। तो बीजेपी विधायक शशांक वर्मा तो अपने कार्यालय पर नहीं मिले, लेकिन विधायक अपने क्षेत्र में क्या विकास कार्य किया है और इस कोरोना काल में आम जनता की किस तरह से मदद की है, ये जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम क्षेत्र की जनता से बात करने पहुंची। तो विधायक के विकास कार्यों की वजह से जनता में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली और जनता काफ़ी आक्रोशित भी थे। जनता का कहना है कि महामारी तो दूर की बात है, विधायक जी तो चुनाव जीतने के बाद आज तक क्षेत्र में आए ही नहीं और ना ही अपनी शक्ल दिखाए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा जनता ने। कोरोना की आई दूसरी वेव ने देश क्या पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। लोगों ने अपनों को खोया, कहीं दवाएं नहीं मिली तो कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले। ग्रामीण अंचलों में भी जो बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर बड़े शहरों से लौटे, उनको तमाम तरीके की दिक्कतें का सामना करना पड़ा। कौन विधायक है और वो विधायक जी जो थे वो कोरोना काल में लोगों से मिले हैं, दवाएं पहुंचाई हैं, क्या उनकी मदद की है, क्या सरकारी इमदाद दिलाई है। क्या नाम है दादा? रमेश कुमार शुक्ला। कौन विधायक है आपके यहाँ? शशांक वर्मा।
विधायक जी आते होते हैं यहाँ तो कभी दिखाई भी नहीं पड़े यहाँ दिखाई जोर से बोलो जरा यहाँ दिखाई भी नहीं पड़े कभी नहीं दिखाई पड़े लापता है विधायक जी क्या बिल्कुल लापता है। अच्छा कोरोना काल में कोई मदद वगैरह पहुँचाई कुछ अब जिसको हम नहीं जानते कहाँ पहुँचाई नहीं पहुँचाई आप क्या पहुँचाई 28 अप्रैल को मेरा भाई मर गया जी गाड़ी भी मुहैया नहीं हुई जी जो अस्पताल तक पहुंचा सके अस्पताल तक पहुंचा सके। तो विधायक जी को यानी इस बात की जानकारी नहीं है कि लोग परेशान है क्या अब हो सकता है ना जानकारी हो इनको ना जानकारी हो हाँ। क्या नाम है भैया आपका संतोष आप क्या विधायक कौन है शशांक वर्मा जी विधायक जी आते होते हैं कभी नहीं आते क्या नाम है दादा अनुराग मिश्रा आपके यहाँ विधायक जी कौन है शशांक वर्मा जी हैं। तो विधायक जी आते जाते हैं अब विधायक जी इस क्षेत्र में तो नहीं दिखे जब दिखे नहीं तो कैसे कहते हैं कि आते जाते हैं चुनाव जीतने के बाद आओ ही नहीं हमें तो नहीं दिखे नहीं दिखे हाँ। अच्छा ये जो अभी कोरोना काल आया था इसमें कोई मदद उदत पहुंचाई नहीं हम लोगों तक तो नहीं पहुंची हमारे ग्रामीण अंचल में नहीं आई है नहीं कोई मदद नहीं कोई और भी कुछ लोग हैं जिनसे जानते हैं कि उनके विधायक उनसे आते हैं कि नहीं आते क्या नाम है आपका दुर्गेश कुमार गुप्ता जी विधायक जी आप कौन है जी हमारे वहाँ के विधायक जी है शशांक वर्मा आते जाते हैं कभी जी नहीं कभी नहीं आते जाते कभी नहीं आए और भी कुछ लोग हैं जिनसे जानते हैं कि आखिरकार जो क्षेत्रीय विधायक है वो हम क्या आते जाते हैं या नहीं जाते हैं क्या नाम है भी आप निशांत जायसवाल आप क्या विधायक जी आते जाते हैं जी यहाँ तो नहीं दिखे कभी नहीं दिखे नहीं चुनाव जीतने के बाद नहीं दिखे जी चुनाव जीतने के बाद कोई इधर तो नहीं दिखे अच्छा कोई मदद वगैरह इमदाद वगैरह नहीं कोई मदद नहीं। कोई इमदाद नहीं पहुंचाई तो आप देख सकते हैं कि ये निघासन विधानसभा के विधायक जो शशांक वर्मा है उनकी हकीकत और भी कुछ लोग हैं जिनसे जानते हैं क्या नाम है भैया आपका पंकज कुमार मौर्य विधायक जी कौन है आपका शशांक वर्मा आते जाते हैं जी नहीं आते हैं अच्छा कब चुनाव जीते थे चुनाव यही पिछले साल जीते हैं जीते थे तब से आए एक बार नहीं आया अच्छा कोरोना काल में आप लोग परेशान थे कुछ मदद वगैरह कुछ इमदाद पैसा तक नहीं मिला है अच्छा कोई काम धाम मिला कोई काम धाम नहीं गाँव में सैनिटाइजर वगैरह करवाया कुछ नहीं हुआ दवाई वगैरह कुछ दिलवाई दवाई कुछ नहीं दिलवाई कुछ नहीं दिलवाई और भी कुछ लोग हैं जिनसे जानते हैं दादा क्या नाम है आपका आपके यहाँ विधायक कौन है शशांक वर्मा विधायक जी गांव में आते जाते हैं कभी नहीं आए क्षेत्र में आते जाते हैं कोई क्षेत्र में हमको नहीं मिलते नहीं मिलते अच्छा जैसे कोई समस्या हो आप लोगों की किस तरीके से विधायक जी की तरफ कैसे पहुंच पाते हो बैठते हैं कहीं बैठते हैं कम यहां कहीं नहीं बैठते यहां कहीं नहीं बैठते नहीं। कोई मिलने का स्थान है उनका कोई मिलने का स्थान नहीं अच्छा अभी कोरोना काल आया था उसमें आप लोग तमाम तरीके से परेशानियां हुई तमाम तरीके से दिक्कतें हुई कुछ मदद वगैरह पहुंचाई भी नहीं तो मदद क्या मिलेगी नहीं आए बिल्कुल नहीं आए बिल्कुल नहीं तो हम निघासन विधानसभा में जो भाजपा विधायक है वो लापता है यूं कहा जाए कि लापता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि क्षेत्रीय लोगों का साफ तौर पर मानना है कि चुनाव जीतने के बाद निघासन विधायक से विधानसभा से विधायक शशांक वर्मा लौट कर क्षेत्र में नहीं आए ऐसे में सोचने वाली बात यह है देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा कमल खिलाने के लिए कटिबद्ध है सरकार रोज मंथन कर रही है लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है क्या इन्हीं ऐसे ही माननीयों के दम पर भाजपा दोबारा कमल खिला पाएगी अपने सहयोगी सुरजीत सिंह चानी के साथ न्यूज ऑन इंडिया लखीमपुर खीरी। निघासन विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो लोगों ने बताया है इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ और कटान है। यहाँ हर वर्ष आने वाली बाढ़ लोगों की जिंदगी तबाह कर देती है लोगों की जिंदगी पटरी से उतर जाती है। रानीगंज गांव है और यहाँ पे हमको देखकर तमाम लोग आ गए हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर कार क्षेत्र की क्या समस्या है और जो हमारा खास प्रोग्राम है नेताजी कहाँ है इसके तहत हमारा उद्देश्य भी यही है कि आखिर जिन माननीयों को नेता को गांव के ग्रामीणों ने चुना था वह ग्रामीण आखिरकार तो बीजेपी विधायक शशांक वर्मा विरासत में मिली विधायकी का लुत्फ उठा रहे हैं और जलवे काट रहे हैं उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। न्यूज वन इंडिया के रियलिटी चेक में विधायक शशांक वर्मा पूरी तरीके से फेल साबित हुए। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत लौटते हैं।